Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is beneficial and merciful. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Umair, and today our topic is the Spanish tragedy by Thomas Kidd. This is basically a tragedy written by Thomas Kidd. First of all, I would like to introduce you with the characters. Characters are very important to understand the whole story of the tragedy. And I have also given a lecture about the summary and plot, or a bit about the themes of the Spanish tragedy by Thomas Kidd. Okay. The characters are start with Pluto and Proserpine. Basically, what is Pluto and Proserpine? Pluto and Proserpine are the king and queen of underworld. प्लूटो एंड प्रोसरपाइन क्या है? ये क्वीन और किंग है अंडरवर्ल्ड के. ये जो वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड है ना, बेसिकली ये अंडरवर्ल्ड इधर यूज किया गया है, बेसिकली किंग एंड क्वीन से रिलेटेड है ये. और इस अंडरवर्ल्ड से मतलब है कि एक आप इसको एक मिथोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है. ये इंट्रोड्यूस कराई जा रही है इसलिए कि इसमें इस अंडरवर्ल्ड में कुछ स्पिरिट्स जो हैं, ठीक है, वो अपने आप को जस्टिफाई करती हैं, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करती हैं. दे आर एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. ठीक हो गया. तो ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी स्टार्ट होती है जहाँ से, वो है डॉन एंड्रिया. ये करेक्टर है उसका बेसिकली डॉन एंड्रिया. ठीक हो गया. डॉन एंड्रिया शुरू में ही स्टोरी के इब्तदा में ही इससे शुरू होती है और इसके इब्तदा में इसकी डेथ हो जाती है. ठीक हो गया. तो डॉन एंड्रिया अंडरवर्ल्ड के पास जाता है कि उसकी रूह को, मतलब कि ये फर्ज करें कि इस तरह की पावर दी जाए कि वो अपना रिवेंज ले सके. बेसिकली ये क्या करना चाहता है, ये रिवेंज लेना चाहता है. इसको अलाउ करती है अंडरवर्ल्ड, इसको अंडरवर्ल्ड में मतलब है कि एज अ स्पिरिट, ठीक है, इसकी स्पिरिट जिंदा रहती है और वो वहाँ पर अपना इसलिए जिंदा रहना चाहता है ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ. For whom who kills him. ठीक हो गया. तो अंडरवर्ल्ड इसको अलाउ कर देते हैं डॉन एंड्रिया के साथ एक रिवेंज. ये भी अनदर स्पिरिट है, ठीक है. रिवेंज और डॉन एंड्रिया बोथ क्या हैं, ये स्पिरिट्स हैं, ठीक है. आपस में ये फ्रेंड्स हैं, घोस्ट है और ये फ्रेंड है. ये आपस में दोस्त हैं दोनों. इनका आपस में दोस्ती का रिलेशन है. इनका बेसिक कनेक्शन क्या है, अंडरवर्ल्ड से. ठीक हो गया. और एक बात जहन में रखें कि ये जो ड्रामा है ये एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है. जब इनको ये पावर मिल जाती है, यानी बेसिकली तो ये स्टार्ट में मर जाता है लेकिन इसकी रूह जिंदा है, ठीक है. रिवेंज और डॉन एंड्रिया गॉड स्पिरिट्स, ये दोनों रूहें ऑडियंस में जाके बैठी हैं और उसी प्ले को देख रही हैं एज एन ऑडियंस, ठीक है. और ये मतलब उसी प्ले को देख रहे हैं जिसमें ये डॉन एंड्रिया भी मरा था, लेकिन ये फिर उसमें क्या है, बैठा है और उस चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है कि नेक्स्ट होना क्या है. ठीक हो गया. ये चीज़ें क्लियर होगी कि डॉन एंड्रिया और रिवेंज प्ले बेसिकली इससे शुरू होता है. प्लूटो और प्रोसरपाइन क्या है, ये किंग एंड क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड है. ये दोनों किंग और क्वीन हैं अंडरवर्ल्ड के. उसके बाद है ड्यूक ऑफ कैस्टाइल. ठीक हो गया. ड्यूक ऑफ कैस्टाइल क्या है, ये बेल इंपीरिया और लोरेंजो का फादर है, यानी लोरेंजो इसका बेटा है और बेल इंपीरिया ड्यूक ऑफ कैस्टाइल की डॉटर है. ठीक हो गया. बेल इंपीरिया और लोरेंजो, बेल इंपीरिया क्या, ये बेसिकली शी फॉल्स इन लव विद डॉन एंड्रिया, मतलब कि ये डॉन एंड्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है. बेल इंपीरिया इसकी डॉटर है ड्यूक ऑफ कैस्टाइल. ठीक हो गया. ये जो लोरेंजो है, लोरेंजो और होरेशियो आपस में मतलब शुरू में इनका ये एक तो दोस्ती का कनेक्शन होता है. ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके किसको, इस बाल्थाज़ार को, लोरेंजो लोरेंजो और होरेशियो बाल्थाज़ार को क्या करते हैं, डिफीट करते हैं, इसको एक जंग में हरा देते हैं, एक से हार जाता है. ये दोनों मिल के इस बाल्थाज़ार को हरा देते हैं और इसको अपनी जेल में जाके बंद कर देते हैं. ठीक हो गया. और फिर जब ये जेल में इसको बंद करने के लिए जाते हैं, ड्यूक ऑफ कैस्टाइल के पास मामला जाता है, तो इन दोनों के दरमियान एक क्लैश शुरू हो जाता है.
इन दोनों के दरमियान एक क्लैश, एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये कहता है कि तुम इसको बल्थजार को अपनी जेल में रखो, और लोहरेशियो कहता है कि तुमने इसको अपनी जेल में रखना है, ठीक हो गया। लेकिन इनका ये जो मसला हो जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए ड्यूक ऑफ कैस्टाइल क्या करता है, होरेशियो को किसी तरीके से राजी कर देता है, और लोरेंजो को कहता है कि तुम इसको अपनी जेल के अंदर रखो, ठीक हो गया। वो उसको अपनी जेल के अंदर रख लेते हैं, और बल्थजार क्या है, ये मामला यहाँ पे हल हो गया, यानी दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट क्लैश हो गया था, लेकिन इसने इसको वक्ती तौर पर सुझा दिया था कि इस मसले का ये है, लोरेंजो को कहता है तुम बल्थजार को अपने पास रखोगे, ये तुम्हारी जेल में रहेगा। उसके बाद वायसराय ऑफ पुर्तगाल क्या है, ये बल्थजार का फादर है, बल्थजार का वायसराय ऑफ पुर्तगाल इसका फादर है। इसको इन्फॉर्म किया जाता है इन दो कैरेक्टर से, अलेक्जेंडर और विलोपो से, कि तुम्हारा बेटा क्या है, मर चुका है, ठीक है। लेकिन कीप एंजॉयमेंट, ही वाज नॉट डेड व्हाइल ही वाज जेल, मतलब इस ये मरा नहीं था, इसको सजा हुई थी, ये जेल चला गया था। वायसराय ऑफ पुर्तगाल को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके बेटे को जो है ना वो मर चुका है, लेकिन इस चीज़ के लिए ये दोनों क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देते हैं वायसराय ऑफ पुर्तगाल को, लेकिन ये दोनों कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। तो इस चीज़ के बदले में वायसराय ऑफ पुर्तगाल इन दोनों को क्या कर लेता है, इनको वक्ती तौर पर अरेस्ट कर लेता है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज होते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनको नहीं पता होता कि पता नहीं मरा भी है या नहीं मरा, लेकिन जेल में इनको दोनों को भेज दिया जाता है। जब इस वायसराय ऑफ पुर्तगाल को बात क्लियर हो जाती है कि मेरा बेटा जिंदा है, वो मरा नहीं है, लेकिन उसको जेल हुई है, तो वो क्या करते हैं, इस विलोपों को क्या कर देते हैं, सेंटेंस टू डेथ, यानी इसको फांसी दे दी जाती है, ये मारा जाता है, अलेक्जेंड्रो फिर बच जाता है। समझ आ गई इन चीजों की, कि लोरेंजो और होरेशियो का आपस में क्लैश रूम में होता है, बल्थजार को क्या होता है, ये मतलब है कि जेल हो जाता है, ठीक है। ये क्योंकि इन दोनों से हार चुका था एक बैटल में, एक जंग के दौरान इनसे हारा था, उसके बदले में इनको जो है ना ये सजा मिली थी। जब बल्थजार को लोरेंजो जेल लेके जा रहा था, तो वहां पर उसकी बल्थजार की नजर बेल इंपीरिया पर पड़ती है, ठीक हो गया। इसकी नजर पड़ती है बेल इंपीरिया पर, तो बेल इंपीरिया पर नजर पड़ने से ही फॉल्स इन लव विद बेल इंपीरिया, यानी बल्थजार को बेल इंपीरिया से प्यार हो जाता है, वो उससे प्यार कर बैठता है। तो वो उसके सिलसिले में वो ये चाहता है कि मुझे जो है ना, मतलब उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। जब वो उससे प्रपोज करता है, तो वो उसको बल्थजार को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि बेल एम्पीरिया जो है ना होरेशियो से प्यार करती है, मतलब शी फॉल्स इन लव विद होरेशियो, ठीक हो गया। अब एक बार ध्यान में रखें कि लव ट्राइंगल है यहाँ पर, लव ट्राइंगल कैसे है, बेल एम्पीरिया फॉल्स इन लव विद डॉन एंड्रिया, बट ही इज डाइड लेटर, शी फॉल्स इन लव विद होरेशियो, ठीक हो गया। ये होरेशियो से प्यार करती है, उसके बाद बल्थजार मतलब है कि जब इसको देखता है, तो ही फॉल्स इन लव विद ही। जब बल्थजार जेल लेके जाया जा रहा होता है, तो ये बेल एम्पीरिया पर इसकी नजर पड़ती है, इसको इससे प्यार हो जाता है। वो उसको प्रपोज करने के लिए जब जाता है, वो उसको जानता है, मतलब उसको ये चीज मालूम होती है कि बेल इंपीरिया प्यार करती है होरेशियो से, ठीक हो गया। होरेशियो से प्यार करने की वजह से, उसकी वजह क्या थी प्यार करने की, क्योंकि होरेशियो ने डॉन एंड्रिया को, के जो असल कातिल था बल्थजार, इसको पकड़ा था, इस डॉन एंड्रिया को इस बल्थजार ने मारा था शुरू में, ठीक हो गया। तो बेल इंपीरिया इसी वजह से होरेशियो से प्यार करती है कि उसने उसके लवर के असल कातिल बल्थजार को पकड़ा है, इस वजह से वो जो है ना उसके साथ मिल के उसको मार दिया जाता है। ये जो इनका आपस में लोरेंजो और बल्थजार क्या करते हैं, शुरू में इन्होंने मतलब है लोरेंजो, बल्थजार और स्पेडरी नैनो ने क्या किया था, इन्होंने मिल के होरेशियो का मर्डर किया था। इनका आपस में कोई क्लैश हुआ था, उस वजह से उन्होंने होरेशियो का मर्डर कर दिया था, इन दोनों ने आपस में मिल के, ठीक हो गया।
अब इसके बाद है हेरोनीमो और इसाबेला। हेरोनीमो कौन है? मार्शल है, मार्शल ऑफ द स्टेट है, ठीक हो गया। इसाबेला इसकी वाइफ है। हेरोनीमो होरेशियो का फादर भी है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इन करेक्टर्स का आपस में किस तरह कनेक्शन है। डॉन एंड्रिया रिवेंज बिलोंग करते हैं अंडरवर्ल्ड से, ये उससे रिलेट होते हैं। ड्यूक ऑफ कैस्टाइल का लोरेंसो और बेल इंपीरिया बच्चे हैं। बाल्थाजार का फादर है वायसराय ऑफ पुर्तगाल। हेरोनीमो का बेटा है होरेशियो, होरेशियो को मर्डर करता है बाल्थाजार और लोरेंसो मिल के इसको मार देते हैं। ये पैट्री नेनो भी लोरेंसो का सर्वेंट भी इनके साथ होता है होरेशियो को किल करने के दौरान। कीप इन योर माइंड। तो हेरोनीमो क्या हो जाता है, ये किल कर दिया जाता है, सॉरी हेरोनीमो ने होरेशियो को किल कर दिया जाता है। और इस चीज का हेरोनीमो और इसाबेला को बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। इवन के मतलब वो उन पर सख्ता सा छा जाता है, बिल्कुल उनकी लाइफ जो है ना एंड हो जाती है। इसाबेला की बुरी हालत हो जाती है। हेरोनीमो जो है ये बिल्कुल मतलब है कि एक नाजुक कंडीशन में चला जाता है क्योंकि इनके बेटे का मर्डर हुआ था इस वजह से। तो ये भी चाहते हैं कि हमने क्या करना है, रिवेंज लेना है। और इसमें यही में रखें कि रिवेंज इसका थीम भी है, ठीक हो गया। तो ये भी रिवेंज लेना चाहते हैं हेरोनीमो और इसाबेला अपने बेटे के मर्डर का। डॉन एंड्रिया ये भी क्या करना चाहता है, अपना रिवेंज लेना चाहता है कि इसको जिसने भी मारा था ये उससे उस चीज़ का बदला लेना चाहता था। जब होरेशियो को किल किया गया था उस वक्त सरबराइन इसका सर्वेंट देख रहा था। सरबराइन होरेशियो का सर्वेंट है, होरेशियो सर्वेंट। ये क्या कर रहा था जब इसको किल किया गया, पैट्री नेनो उनके साथ था, लोरेंजो था और बाल्थाजार था। जब इन्होंने इसको किल किया तो ये उसको देख रहा था, ठीक हो गया। पैट्री नेनो को भी ये पता था कि हमने जब उसको किल किया तो सरबराइन उसको देख रहा था। तो ये क्या करते हैं पैट्री नेनो, सरबराइन को भी किसी न किसी तरीके से इसको भी मरवा देता है कि इसको पता है कि हमने होरेशियो को मारा है, कहीं बात बाहर निकल जाए, ठीक हो गया। लेकिन इनको पता होता है कि बाल्थाजार ने और लोरेंजो किन्हीं लोगों ने इसको मिलकर मारा है, ठीक हो गया। ये बात यहाँ पे एंड हो जाती है। अब जस्ट ये कैरेक्टर्स क्या चाहते हैं कि हमने अपना क्या करना है, अपने इस जो जुर्म हमारे साथ हुआ है इस चीज़ का हमने क्या करना है, इनसे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, हम इंसाफ की डिमांड करेंगे। तो बाद में ये कैरेक्टर्स क्या करते हैं, हेरोनीमो और इसाबेला दोनों मिल के क्या करते हैं, ये बाल्थाजार को भी मार देते हैं। और एक बार ध्यान रखें, बाल्थाजार ने लोरेंजो और होरेशियो दोनों को मारा था, यानी इसने लोरेंजो को भी मार दिया था, होरेशियो को भी बाद में मार दिया था बाल्थाजार, ठीक हो गया। अब ये बाल्थाजार मतलब के मरने से पहले ये इसको मार के उसको मार के ये क्या करना चाहता था, बेल इंपीरिया से शादी करना चाहता था। लेकिन बेल इंपीरिया को जब ये पता चला तो बेल इंपीरिया ने इससे शादी से पहले ही जहर पीकर अपने आप को मार दिया था, ठीक हो गया। बेल इंपीरिया इस तरीके से मर चुकी थी। अब बाल्थाजार बच गया था, इसको हेरोनीमो और इसाबेला ने दोनों ने मिल के इसको किल कर दिया था, ठीक हो गया। ये है इसके करेक्टर्स। आई थिंक आपको कुछ कुछ इसकी समझ आ गई होगी कि जो करेक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, जो करेक्टर्स हैं यहाँ पे मेन मेन करेक्टर्स हैं। ये करेक्टर्स प्लूटो एंड प्रोसरपाइन के हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड हैं। करेक्टर्स हैं ये रिलेटेड टू स्पेनिश ट्रेजेडी। डॉन एंड्रिया और रिवेंज, डॉन एंड्रिया और रिवेंज बेसिकली दोनों स्पिरिट्स हैं ये, ठीक हो गया। इसी से कहानी स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्ट में कहानी में ये मर चुका है और एज एन ऑडियंस ये सामने बैठ के उस प्ले को प्रेजेंट होता देख रहा है कि इस प्ले में हो क्या रहा है, नेक्स्ट होना क्या है इसमें। अंडरवर्ल्ड इसको अलाउ कर देती है डॉन एंड्रिया को, इसके साथ एक दोस्त इसका होता है उसको रिवेंज कहते हैं, ये भी बेसिकली स्पिरिट है, ये दोनों स्पिरिट्स हैं, ठीक हो गया। ये स्पिरिट्स हैं दोनों, ठीक हो गया। इसके बाद ड्यूक ऑफ कैस्टाइल क्या है, लोरेंजो और बेल इंपीरिया का फादर है, ठीक हो गया। बेल इंपीरिया इसकी डॉटर है और यहाँ पे लव ट्रायंगल है, ये भी ध्यान में रखें, लव ट्रायंगल, ठीक हो गया। बेल इंपीरिया फॉल्स इन लव विद डॉन
प्रिंस को इससे प्यार हो जाता है, जब उसको प्रपोज करता है, प्रपोज करने से पहले वो ये जानता है कि अब पहले एम्पीरिया प्यार करती है होरेशियो से, ठीक हो गया। उसके प्यार करने की वजह क्या है, क्योंकि होरेशियो ने डॉन एंड्रिया, इसके असल जो लवर था, उसके मर्डरर, उसका जो किलर था बल्थजार, उसको होरेशियो ने पकड़वाया है या पकड़ा है, इस वजह से वो उससे प्यार करती है। तो इस वजह से उसके माइंड में जो है ना, उसके लिए भी क्या हो जाता है, एक गलत सी बातें पैदा हो जाती हैं कि जो है ना, मैंने बेलेंटीरिया को हासिल करने, लिहाजा होरेशियो को रास्ते से हटाना चाहिए। तो वो क्या करता है, लोरेंजो और इनके आपस में, इनका ऑलरेडी कोई कन्फ्लिक्ट हो चुका होता है, इस वजह से इनकी आपस में नहीं बन रही होती। तो ये बाल्थाजार इसकी मदद से क्या करता है, होरेशियो को भी मरवा देता है, और अपने पेट्रिनियन जो इसका सर्वेंट था, ये भी उनके साथ होते हैं, इनकी हेल्प करता है इसको किल करने में, ठीक हो गया। अब बाल्थाजार की जहाँ पे कहानी, वायसराय ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल का जो वायसराय था, ये उसका बेटा है, इसको इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारा बेटे को जो है ना फांसी हो, सॉरी आपका बेटा मर चुका है, लेकिन ये जो अलेक्जेंड्रो और विलोपो, ये दो बंदे के करेक्टर्स हैं, ये जब उसको इन्फॉर्म करने आते हैं, ये दोनों कन्फ्यूज होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन कन्फ्यूज होते हैं, नहीं पता होता कि मरा है या नहीं मरा। तो इस वजह से दोनों को जो है ना वायसराय ऑफ पुर्तगाल इन दोनों को जेल कर देता है, ठीक है। जब उसको ये बात कन्फर्म हो जाती है कि बाल्थाजार जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन उसको जेल हुई है, ठीक हो गया, तो वो क्या करता है, विलोपो को सेंटेंस टू डेथ, इसको मार दिया जाता है, अलेक्जेंड्रो फिर इसमें से बच जाता है, ठीक हो गया। अब हेरोमिनो और इसाबेला क्या है, ये मार्शल ऑफ द स्टेट है, वो उसकी वाइफ है इसाबेला, ठीक है। हेरोमिनो क्या हो जाता है, होरेशियो का फादर है, होरेशियो मारा जाता है, पेट्रिनियनो भी उसमें मुलविस होता है, सरबराइन उसका जो सर्वेंट है वो उसको देख रहा होता है कि जब उन्होंने होरेशियो को मारा था, तो पेट्रिनियनो क्या करता है, इस सरबराइन उसके सर्वेंट को भी मरवा देता है। एट द एंड रिवेंज के सिलसिले में हेरोमिनो और इसाबेला मिलकर बाल्थाजार को मरवा देते हैं या उसको मार देते हैं, ठीक हो गया। बाल्थाजार मर जाता है, उससे पहले बेलेंटीरिया जहर पी लेती है कि बाल्थाजार उससे शादी करना चाहता था, जब उसको ये पता